भिलाई टाइम्स के जरिए ही हम एक साल पहले इस बात को रखे थे कि हमारा पे आउट जो है वो बढ़ाया नहीं गया था, और इस बात को मैनेजमेंट ने सुना, उन्होंने कुछ समय मांगा था 15 दिन का कि हम इस पर विचार विमर्श करके कुछ आपकी पे आउट में वृद्धि करेंगे जी। लेकिन मैं तब से हूँ जब से स्विगी यहाँ पे लॉन्च हुआ है, उस टाइम के पे आउट स्ट्रक्चर 2 साल तक तो जो बहुत अच्छा चला, उसके बाद जो डाउनफॉल हुआ है जहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ा है हर जगह पे, ये कंपनी एक बार भी हमें कहीं पे भी ग्राफ ऊपर नहीं दिखा सकता, वो डाउन टू डाउन चला गया। अभी आप लोग बात करने जाते हैं तो क्या कहते हैं वहाँ पर ऑफिस में? इस बारिश के दिन में हमको पर ऑर्डर 30 रुपये दिया जाता था कंपनी से, अब उसको घटा के कियर दिया गया 10 रुपये। अच्छा, बढ़ाने के बजाय घटा दिया, 10 रुपये कर दिया गया, 30 की जगह 10। लेकिन हाँ, लेकिन हमारे सिस्टम पे फ्लैश करता 25 से 35। अब क्या मांग है आप लोगों की और धरना कब तक आप लोग दे रहे हैं? सर, इस बार हम नहीं टूटेंगे, भले हम बर्बाद हो जाएं, हम रोड पे आ जाएं, कोई दूसरा काम करेंगे सर, दिहाड़ी मजदूरी करेंगे, गड्ढा खोदेंगे या कहीं भी मजदूरी करेंगे, लेकिन इस बार स्विगी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ पे कुछ राइडर्स ऐसे भी हैं जो पूरे दिन इतना मेहनत करते हैं अपने फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, कि हमारे यहाँ पे कुछ राइडर्स हैं जो दिन में 20 से 22 ऑर्डर्स आराम से मारते हैं। सर, डिमांड तो हम लोगों ने कल रख दी थी उनके सामने, वो 4 बिंदुओं पर है कि हमारा जो स्टार रेटिंग वगैरह, जो कस्टमर हम लोग जो डिलीवरी डिले करते हैं वो एक्चुअली हमारी डिले हमारी वजह से नहीं होता, वो मैनेजमेंट का गलती है। उनका ऐप इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि वो ऑटोमेटिकली डिले चलता है, रेस्टोरेंट में असाइन होने के बाद 15 मिनट बाद हमको असाइन होता है। नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। जैसा आप सभी को पता है, हम लगातार चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आम जनता की प्रॉब्लम हो या फिर गांव या शहर या कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हम आप तक लगातार पहुंचाते आते हैं भिलाई टाइम, हर वो खबरें आप तक दिखाते आ रहा है। और अमूमन आप लोगों को पता होगा कि जब हमें घर बैठे कुछ खाने का मन करता है तो अलग अलग फूड डिलीवरी ऐप्स का हम यूज़ करते हैं, चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो, तमाम ऐप जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसे ऑर्डर करके हम जो सुविधा मिल जाती है घर आकर खाना पहुँचाने की, वो सुविधा हम पाते हैं। लेकिन जो खाना पहुँचाते हैं आप तक के होटल रेस्टोरेंट्स, आपके घर तक की डिलीवरी पहुँचाते हैं, उन डिलीवरी बॉय के बारे में सोचना भी जो है वो कंपनी का फर्ज होता है। आप देख सकते हैं सामने स्विगी के पूरे डिलीवरी बॉय जो है वो खड़े हुए हैं, हड़ताल में है, परसों से जो है इन्होंने कोई डिलीवरी नहीं दी है, और इसका कारण ये है, आज से एक साल पहले भी इन्होंने अपनी बात कंपनी में रखी थी कि इनका जो पे आउट स्केल होता है, जो पर डिलीवरी इनको चार्जेस मिलते हैं, वो चार्जेस को बढ़ाया जाए। और अभी हड़ताल इसलिए की जा रही है क्योंकि जो बढ़ाना था वो अब इनका डिमोशन और हो गया है। जी, क्या कुछ पूरी समस्या है, क्यों आप लोग हड़ताल में हैं? सर, पहली बात तो भिलाई टाइम्स के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय छत्तीसगढ़, जय जोहर। और भिलाई टाइम्स के जरिए ही हम एक साल पहले इस बात को रखे थे कि हमारा पे आउट जो है वो बढ़ाया नहीं गया था, और इस बात को मैनेजमेंट ने सुना, उन्होंने कुछ समय मांगा था 15 दिन का कि हम इस पर विचार विमर्श करके कुछ आपकी पे आउट में वृद्धि करेंगे जी। लेकिन उस बात को एक साल हो गया सर, आज तक कोई भी मतलब एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऊपर से अब ये बारिश का सीज़न आ रहा है, तो जिस बारिश के सीज़न में ये राइडर्स इतना खतरा मोलते हैं, कभी गाड़ी स्लिप हो जाएगा, हेलमेट टाइम पे पहुंचना भी, हाँ, बहुत टाइम से देना है ऑर्डर, तो टाइमली देना है कस्टमर को, नहीं तो वो तो गुस्सा करते ही है, और उसके बाद हमारी रेटिंग भी खराब होती है, उसकी वजह से हमारा वीकली इंसेंटिव भी खराब होता है। तो इस बारिश के दिन में हमको पर ऑर्डर 30 रुपये दिया जाता था कंपनी से, अब उसको घटा के कियर दिया गया 10 रुपये। अच्छा, बढ़ाने के बजाय घटा दिया, 10 रुपये कर दिया गया, 30 की जगह 10। लेकिन हाँ, लेकिन हमारे सिस्टम पे फ्लैश करता 25 से 35, फ्लैश कर रहे हैं आप 25 से 35 दुनिया को दिखाने के लिए कि हम अपने राइडर्स को इतना देते हैं, पर देते हैं सिर्फ 10 रुपये पर ऑर्डर जी। ये हमारे पास ये प्रमाण है। उसके बाद एक साल हो गया सर, हमारे जो हमारा किलोमीटर चलता था, जो फर्स्ट माइल है, लास्ट माइल है, जो हम कस्टमर तक जाते हैं, उसका हम 4 रुपये प्रति किलोमीटर हमको मिलता था, वो एक साल मतलब 2019 से लेकर 2024 आज तक हम 4 रुपये प्रति किलोमीटर पर ही काम कर रहे हैं। आज तक हमारे पेमेंट में कोई वृद्धि नहीं हुई है, 1 रुपये की वृद्धि नहीं हुई है। और इसी तरीके से जोमेटो भी काम कर रहा है आज इसी प्लेटफॉर्म पर, उनको 8 रुपये प्रति किलोमीटर मिल रहा है उनके राइडर्स को। तो सर, हमारे साथ बहुत शोषण हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आप लोग ये जब पिछले बार हड़ताल दिए थे, तब जो यहाँ के अधिकारी होंगे, जो ऑफिस में बैठते होंगे, उन लोगों से क्या कुछ बातचीत हुई थी? सर, वो सिर्फ आए थे, उस समय आए, हमको सांत्वना दिए, और जैसे ही उनका प्रमोशन हुआ वो अपनी अपनी जगह पे पोस्टिंग ले लिए, और उसके बाद जो बचे हुए थे, जो मैनेजर्स हमारे फील्ड में, जो हमारे फील्ड पे आते थे, वो लोग रिजाइन दे दिए और छोड़ दिए। मुझे एक बार विस्तार में बताइएगा पूरा डिटेल, जब आप लोग, जैसे अभी जिनसे बात हो रही थी उन्होंने बताया कि 2 तरीके से आप लोग वर्किंग करते हैं, एक तो पहले डिलीवरी होती है तो आप जहाँ भी हैं पहले होटल जाते हैं, सेंटर में आउटलेट में जाते हैं, फिर वहाँ से डिलीवरी करने जाते हैं, तो वो कैसा प्रोसेस कैसा होता है आप लोग की डिलीवरी का? सर, ऐसा है कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ अभी, और हमको KFC का एक ऑर्डर बुकिंग हुई, एक कस्टमर ने ऑर्डर किया KFC का, वो ऑर्डर वहाँ असाइन होने के बाद हमको वो असाइन होता है कि आपको KFC से लेना है, और कस्टमर का कोई डिटेल नहीं रहता उस समय। जैसे हम यहाँ से, मैं वहाँ जाऊँगा, KFC जाऊँगा, मान लीजिए यहाँ से 300 मीटर है, तो 300 मीटर का कंपनी 1 रुपये देता है,
300 मीटर का एक रुपए नहीं, पर किलोमीटर 4 रुपए, तो अपन उसको डिवाइड कर लिए, 300 मीटर में 1 ही रुपए मिलेगा फर्स्ट मैच, या तो कभी जीरो ही मिलता है, 300 मीटर में बैठे जीरो। तो यहाँ से हमने KFC का ऑर्डर उठाया। बाय द वे यहाँ से ग्रीन वैली छोड़ना है, ग्रीन वैली यहाँ से डिस्टेंस है एटलीस्ट 6.35, आप गूगल मैप कर सकते हैं, 6.35 उसका वो है, कंपनी उसका पे देती है हमको 20 रुपये, 22 रुपये। आप बताइए 27 के आसपास देना चाहिए। हाँ नहीं, वो एक्चुअल में हमारा पे आउट जाना चाहिए 37, लेकिन वो हमको मिलता है 22 रुपये 20 रुपये। हर ऑर्डर पे कंपनी कम से कम 15 से 20 रुपये का हमारा शोषण करता है। ये हमारा कि हम यहाँ से KFC गए, वो हमारा फर्स्ट माइल है, और उसके बाद हम ऑर्डर पिक किया वहाँ से कस्टमर के लोकेशन में, ये हमारा सेकंड माइल है। और बेसिकली आप लोग को जो पेमेंट मिलना चाहिए वो दोनों चीज़ का मिला के, हाँ ऐड होके, वो किलोमीटर ऐड होके उसका हमको इंटू 4 करके हमको पेमेंट किया जाता है। कितने आप लोगों का सर्कल कितना बड़ा रहता है, कहाँ तक आप लोगों को जाना? सर विश्वास मानिए, हमारा सर्कल जो है यहाँ से जामुल एयर नंदिनी एयरपोर्ट, अच्छा नंदिनी एयरपोर्ट, वहाँ से आप ऐसा सर्कल बनाइए, एटलीस्ट हम 20 किलोमीटर के रेडियस में हम डिलीवरी करते हैं। यहाँ से धनौरा जाते हैं सर, ये भिलाई टाउनशिप में बैठा हुआ बंदा भी वहाँ तक डिलीवरी करने, यहाँ पर मॉल पे खड़े हैं, मॉल से कम से कम 20 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग काम करते हैं। जी चेहरे आप देख पा रहे हैं, निराश चेहरे हैं, क्योंकि धूप हो बरसात हो, 12 महीने जो पूरे सीज़न होते हैं उस सीज़न में ये मेहनत करते हैं, उसके बाद जब पे स्केल ना मिले जो उचित पे स्केल है तो ऐसी तकलीफें होती हैं। जी सर मैं क्या बोलूँ, पे आउट का दिक्कत है बस। क्या परेशानी हो रही है आप लोग बात की होगी जाके? पे आउट का है यार, कुछ एक्सीडेंट होता है तो कोई सुनता नहीं है। अच्छा आप लोगों के में एक्सीडेंटल वाला भी प्रोसेस होगा? सर लास्ट टाइम भी हमने ये मुद्दा उठाया था 1 साल पहले, आप ही के वीडियो में ये बताया था कि इंश्योरेंस क्लेम करने में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। लास्ट टाइम हमारे साथ एक को इंश्योरेंस हमारा वो था पॉलिसी था, तो क्या है किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया तो आपके थ्रू हमने मैनेजमेंट जब बात रखी ना तो उसको सारा क्लेम मिला है सर, लेकिन थोड़ा डिले प्रोसेस में मिला। अभी रिसेंटली यही सेम प्रोसेस हुआ, एक विनोद पांडे जी हमारे हैं, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है और वो भी 3 महीने से घर में पड़े हुए हैं, उनका पैर टूटा हुआ है। अब विश्वास नहीं मानेंगे सर, उनके बच्चे खाना खाने के लिए भी तरस रहे हैं, उनके घर में राशन पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है, काम ही नहीं हो रहा है। नहीं सर ठीक है, तो अब क्या मांग है आप लोगों की और धरना कब तक आप लोग दे रहे हैं? सर इस बार हम नहीं टूटेंगे, भले हम बर्बाद हो जाएं, हम रोड पे आ जाएं, कोई दूसरा काम करेंगे सर, दिहाड़ी मजदूरी करेंगे, गड्ढा खोदेंगे या कहीं भी मजदूरी करेंगे, लेकिन इस बार स्विगी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने 1 साल वेट किया, लेकिन इस बार अगर पे आउट में वृद्धि नहीं हुई तो हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे सर, ये हम लोगों ने ठान के रखा है कि स्विगी का आईडी हम चालू नहीं करेंगे। ठीक है जी। देखिए मेरा तो ये कहना है, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की जय हो जी, हम सब छत्तीसगढ़ के संतान हैं, और कहीं ना कहीं भिलाई स्टाम्प्स को तो सब बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो लोगों तक जो बातें पहुंची थी वो हमारे यहाँ से थ्रू गया था। लेकिन हमारा मुद्दा आज ये है सर कि 2019 से हम यहाँ पे ऐसे लड़के हैं जो 2019 से, कितने बॉय हैं जो लड़के हो जो एक सर अभी काम करते हैं सर, यहाँ पे कम से कम 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो फ्रॉम डे वन काम कर रहे हैं, फ्रॉम डे वन से। और स्विगी चालू हुआ था स्विगी आउटलेट में 26th of January 2019 में फ्रॉम अमित इंटरनेशनल। अब प्रॉब्लम ये है कि 2000 पहला आउटलेट हम अमित इंटरनेशनल से हम सारे यहाँ पे मॉल में आए हुए थे, लेकिन अब आप बताइए कि 2019 में हम जो राइडर्स थे वो मंथली कहीं ना कहीं ऑन एंड अराउंड फुल टाइम काम करने के बाद भी हमने 35-40,000 ऑफ इनकम हमने किया है, इंक्लूडिंग द एक्सपेंडिचर आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन आज की तारीख में 5 साल के बाद जहाँ पे एक्सपेंडिचर इतना बढ़ चुका है, चाहे वो पेट्रोल्स का हो चाहे वो गाड़ी के सर्विस हो, क्योंकि हमारे गाड़ी ऑन एन एवरेज पर डे पेट्रोल अलाउंस होते हैं नहीं, ये पेट्रोल हमें भरना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो ऑन एन एवरेज एवरी डे 180 किलोमीटर्स रन करता है तो, और पर डे अगर हाँ एक गाड़ी अगर 180 एवरेज करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या चाहे वो पेट्रोल वर्जन हो, वो गाड़ी को सर्विस मेंटेनेंस हर हफ्ते लगता है, तो हमारे एक्सपेंडिचर्स भी बाहर है। इस धूप में जहाँ पे कस्टमर्स खुद हमें, इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे हमें बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर्स मिलते हैं जो खुद आके हमें पूछते हैं कि भैया आप लोग इस धूप में काम कैसे कर रहे हो, वो हमसे पानी मांगते हैं, क्योंकि कस्टमर्स को भी लगता है कि हम इतने धूप में काम कर रहे हैं। जोमेटो हमारे यहाँ पे आज की तारीख में भिलाई में देयर इज ओनली वन कंपटीटर, वो है जोमेटो। जोमेटो हीट वेव में उनको एक्स्ट्रा सरचार्ज मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे रेन मोड को छोड़ के हमें यहाँ पे हीट 48°C 49°C में हमने जाके ऑर्डर डिलीवर किया है कंटिन्यूएशन में, उसके बाद भी हमें उसका कुछ एक्सेस नहीं मिला। ऊपर से हमारे ऑर्डर्स को 2019 के बाद से इतना ड्रॉप कर दिया गया है कि आज वही लोग जो हम लोग 30-40,000 एटलीस्ट कमाते थे, आज हम लोग 20,000 भी नहीं कमा पाते, हम समथिंग अराउंड 16-17,000 में रुक जाते हैं, इंक्लूडिंग द एक्सपेंडिचर और बढ़ चुका है, हम घर में 7-8,000 भी प्रॉपरली नहीं दे पाते, वर्किंग फॉर 14-15 आवर्स ऑन थ्रॉट, जहाँ पे लाइफ रिस्क लेके यहाँ पे हर आदमी हर स्विगी राइडर 20-25 बार दिन में मरते मरते बचता है, बिकॉज भिलाई में आप जानते हैं कि रोड यहाँ पे सिस्टम गाड़ी चलाने का इतना प्रॉब्लम, रश ड्राइविंग की वजह से। अच्छा आज जैसे हमारे विनोद पांडे जी ऐसे हादसे हमें
आज ये हमारा एक बंदा है, इसको प्लीज़ हाईलाइट कीजिए। कुछ दिन पहले इस बंदे के साथ ये हादसा हुआ कि इसका एक ऑर्डर जो है, इसका एक गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, जो छोटा मोटा एक्सीडेंट था, लेकिन बंदा थोड़ा सा चोट लगा, वो गाड़ी से गिर गया। तो नेचुरली ये था कि उसने हेल्पलाइन सर्विस पे गया, हेल्प सपोर्ट में, और उसने हेल्प सपोर्ट में ये बाकायदा है, ऑफिशियल है जो हेल्प सपोर्ट है, जो हमारे नॉर्म्स में आते हैं, उसने अपने नॉर्म्स को, क्राइटेरिया को कम्प्लीट किया। और उसने जाके कंपनी को जाके इन्फॉर्मेशन दिया कि आई मुझे एक एक्सीडेंट हुआ है और मेरे साथ ये दिक्कत हुआ है, तो मैं इसको डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। कंपनी के सामने से जो आईवीआर कॉल आता है, हमारे पास दो तरह के आईवीआर कॉल आते हैं, एक इंटीरियर कॉल और एक एक्सटीरियर कॉल फ्रॉम द कॉल सेंटर्स। तो वहाँ से एक्सटीरियर कॉल से कॉल आया और उन्होंने इसको एश्योरमेंट दिया कि आपको डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसका जो पे आउट भी है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद ये लड़का, हाँ, उसके दूसरे दिन बाद ये लड़का कहता है कि मुझे पेनल्टी लग गया 543 रुपीज़ का। हाँ, तो यहाँ पे आप बताइए सर, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और अगर हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं इन द टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, वो बंदे की क्या गलती है? ये हादसा हम किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है, तो यहाँ पे हमें पेनल्टी क्यों लगता है? अच्छा, मैं और एक चीज़ बता रहा हूँ, गूगल आज की तारीख में हमारे जो बेसिक पे आउट स्ट्रक्चर बनता है उसमें एक बहुत बड़ा जो फील्ड है वो बनता है हमारे मैपिंग के थ्रू। एक्चुअली देखा जाए तो स्विगी और जोमेटो जो राइडर्स हैं, बहुत कस्टमर्स लोग को ये लगता है, आप लोग ट्रैक होते होंगे जीपीएस? हाँ, जीपीएस से हम ट्रैक होते हैं। जैसे मैं एक चीज़ थोड़ा सा कन्फर्म करना चाहता हूँ इन ब्रीफ, क्योंकि कस्टमर्स लोग को, बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं होता, क्योंकि क्या होता है वो लोग एड्रेस मेंशन कर देते हैं, लेकिन एड्रेस मेंशन करने के बाद क्योंकि उनका करंट लोकेशन प्रॉपर नहीं होता, तो हो सकता है कि एड्रेस वो स्मृति नगर का दिए और वाकई में स्मृति नगर में रहते हैं, लेकिन लोकेशन हो सकता है वो मॉल में पकड़ रहा है, क्योंकि उनको जीपीएस का भी उतना नॉलेज कभी कभी नहीं होता, कभी कभी लोकेशन ट्रैकिंग भी प्रॉब्लम आता है। तो नेचुरली क्या होता है कि हमें जो पे आउट बनता है वो बाई किलोमीटर बनता है सर, हमें डायरेक्ट वो एड्रेस के थ्रू वो नहीं बनता। हम जितना ट्रैवल करते हैं, द फर्स्ट माइल एंड सेकंड माइल, मैंने जो बोला, मैं इसको थोड़ा सा कस्टमर्स के लिए क्लियर कर दूं कि फर्स्ट माइल सेकंड माइल क्या होता है। जैसे आज अगर मुझे एज अ राइडर असाइन होता है ऑर्डर, तो मगर मैं से मान के चलिए ऑर्डर जैसे ही असाइन होता है, जो हमें जो पे आउट दिखाता है उसके बाजू में हमें दिखाया जाता है कि हम टोटल किलोमीटर कितना रन कर रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलिए कि मुझे 25 रुपये मिला, जैसे कि अभी मेरे दोस्त ने कहा था कि हमें मतलब 4 रुपया भी नहीं मिल रहा है, तो 4 किलोमीटर के हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे 20 रुपया मिल रहा है फॉर एन एग्जाम्पल। अब वो 20 रुपीज़ में 5 रुपये सर्च चार्ज होता है, बोनस होता है, तो मान के चलिए 15 रुपीज़। अब 15 रुपीज़ में मुझे यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ कि मुझे कौन से रेस्टोरेंट जाना है, क्योंकि तब तक हमें कस्टमर इन्फॉर्मेशन नहीं होता, ये सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, तो जब हम रेस्टोरेंट वो आउटलेट से कन्फर्म होता है, तो हमारे प्रोसीजर में ये है, पहले हम ऑर्डर असाइन करते हैं, उसके बाद हम रेस्टोरेंट तक पहुँचते हैं। अब मुझे रेस्टोरेंट में दिखाया गया इट्स 1.5 किलोमीटर, सो इट ये अभी हम मैंने समझ लिया कि ये विद इन द किलोमीटर है, तो ये ठीक है। मैं 1.5 किलोमीटर गया, मैंने वहाँ पे प्रोसीड किया, मैंने वहाँ पे मैं रीच डाउन किया, कस्टमर को वहाँ पे शो हो रहा है कि जो राइडर है वो पहुँच गया। अब वो कस्टमर को वहाँ पे दिखाते हैं कि फूड इज़ गेटिंग रेडी। अब कस्टमर जैसे ही वो रेस्टोरेंट हमें वहाँ से फूड देता है, तो वहाँ से वो क्लिक करता है कि फूड रेडी, तो हमारे यहाँ पे और कस्टमर के एप्लीकेशन में दोनों में दिखाता है, हम उसको पिकअप करते हैं, तब कस्टमर को शो होता है दैट फूड, जो डिलीवरी पार्टनर है वो ऑन प्रोसेस, वो उसने पिकअप कर लिया, इज़ ऑन द वे। ओके, अब यहाँ से प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही अब मैंने पिकअप किया तो मुझे सारे कस्टमर डिटेल्स मिल गए, मुझे उसका लोकेशन भी ट्रैक हो गया, मुझे उनका नाम एंड एड्रेस मिल गया इंक्लूडिंग द नंबर एज़ वेल। अब उसके टाइम पे मैं ये देख रहा हूँ कि सर वहाँ से जैसे लोकेशन ट्रैक हुआ इट इज़ 3.5 किलोमीटर। अब अगर 1.5 किलोमीटर एंड 3.5 किलोमीटर को अगर मैं इंक्लूड करता हूँ समवेयर, इट इज़ बिकम 5 किलोमीटर। तो कंपनी मुझे ट्रैक करवा रहा है 4 किलोमीटर का, पे कर रहा उससे भी कम, और वो ट्रैक हो रहा है 5, कहीं ना कहीं ईच एंड एवरी ऑर्डर, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी ऑर्डर में मार्जिन। हाँ, और मैं ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ पे कुछ राइडर्स ऐसे भी हैं जो पूरे दिन इतना मेहनत करते हैं अपने फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, कि हमारे यहाँ पे कुछ राइडर्स हैं जो दिन में 20 से 22 ऑर्डर आराम से मारते। ये शायद कस्टमर्स को नहीं पता, लेकिन अगर एक बंदा 20 से 22 ऑर्डर मारता है दिन में, अगर 180 किलोमीटर अगर वो रन करता है, बॉडी कितना टायर्ड हो जाता है, आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल, जब तक आप उस लेवल पर आके काम नहीं करते। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं दैट आई वाज वर्किंग एज ए एचआर फॉर 7 ईयर्स इन थ्रॉट इन विप्रो कंपनी, मेरा पूरा रिकॉर्ड आपको गूगल में मिल जाएगा। बट आज की तारीख में मैं अपने फैमिली रीजंस की वजह से, मैं भिलाई मेरा गाँव है, मैं यहाँ पैदा हुआ लेकिन मैं पला बड़ा मुंबई में, आज जब मैं आके इस लेवल पर काम किया, मुझे तकलीफ इस बात पर हो रहा है कि बिना एचआर मुझे कभी लाइफ में पता नहीं था कि इन लोग इतना मेहनत करते हैं। आज जब मैं इनके साथ आके काम कर रहा हूँ फॉर लास्ट 5 ईयर्स नाउ, मैं तब से हूँ जब से स्विगी यहाँ पे लॉन्च हुआ है, उस टाइम के पे आउट स्ट्रक्चर 2 साल तक तो जो बहुत अच्छा चला, उसके बाद जो डाउनफॉल हुआ है जहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ा है हर जगह पे, ये कंपनी एक बार भी हमें कहीं पे भी ग्राफ ऊपर नहीं दिखा सकता, वो डाउन टू डाउन चला गया। अभी आप लोग बात करने जाते हैं तो क्या कहते हैं वहाँ पर ऑफिस में? ऑफिस में सर अभी मैं कुछ क्राइटेरियाज आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे क्या होता है आज की तारीख में एक सिंपल बात, अगर ये न्यूज़ के थ्रू जा रहा है, तो अगर आज हम डिलीवरी पार्टनर्स हैं, अगर हम डिलीवरी करते हैं तो कहीं ना कहीं हम नौकर नहीं हैं, बी वेरी फ्रैंक टू अस। यहाँ पे ऐसे भी बंदे हैं जो आज की तारीख में कॉलेज कर रहे हैं,
समवन इज डूइंग MBA, समवन इज डूइंग BTech, समवन इज डूइंग MPhil. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं और भिलाई में क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. जैसे हमारे यहाँ पे ये जो व्यक्ति हैं सबसे सीनियर है, हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, ये BSP में जॉब करते थे. आज की तारीख में जॉब नहीं है, उनके फैमिली में एक परिवार है, उनके पास ऑप्शंस नहीं था, आज वो स्विगी कर रहे हैं. लेकिन ही इज़ अ रिस्पेक्टेड पर्सन. लेकिन आज की तारीख में कस्टमर्स, कभी कभी ऐसे भी कुछ कस्टमर्स होते हैं उनको लगता है कि वो उन्होंने 70 रुपये में हमको खरीद लिया. और ये बात मैं कस्टमर्स की गलती नहीं, बिहेवियर इशू होता है, लेकिन ये बात मैं ये चीज़ बता रहा हूँ ओपनली कि इसमें उन कस्टमर की गलती नहीं है, क्योंकि कंपनी हमें कभी उस तरीके से हमने सामने लाया ही नहीं है कि हमारा भी कोई महत्व है. फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हम ऑन पेपर वी आर डिलीवरी पार्टनर्स, दैट मीन्स वी आर वर्किंग एज अ बिजनेस पार्टनरशिप. हमारा TDS कटता है सर. अगर एक बंदा 1600-1700 रुपये कमा लिया तो कम से कम उसका 60 से लेकर 70 रुपये, राइट, उसका TDS कटता है. 16 रुपये कट जाएगा. हाँ, 1600, ठीक है, हमारा TDS कटता है. TDS कटता है इन द सेंस दैट वी आर वर्किंग ऑन द ITR लेवल. लेकिन ग्राउंड लेवल पे हमें आज की तारीख में जो स्ट्रक्चर मिलता है पे आउट का, इसका मतलब हम एम्प्लॉय से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें उतना पैसा नहीं मिलता टर्नओवर के हिसाब से, क्योंकि हम महीने महीने में पूरा 90 आवर्स एक प्लस काम करने के बाद भी 20,000 से ऊपर नहीं कमा पाते. ठीक है स्विगी के जिम्मेदार अभी अधिकारी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनसे फाइनल क्या आप लोग मांग करना चाहते हैं, कितने रुपए की बढ़ोतरी होनी चाहिए पर डिलीवरी में, विस्तार में आखिरी बार बता दीजिए. सर डिमांड तो हम लोगों ने कल रख दी थी उनके सामने, वो 4 बिंदुओं पर है कि हमारा जो स्टार रेटिंग वगैरह, जो कस्टमर हम लोग जो डिलीवरी डिले करते हैं वो एक्चुअली हमारी डिले हमारी वजह से नहीं होता, वो मैनेजमेंट का गलती है. उनका ऐप इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि वो ऑटोमेटिकली डिले चलता है. रेस्टोरेंट में असाइन होने के बाद 15 मिनट बाद हमको असाइन होता है, तो वो ऑर्डर बन के रखा रहता है, ठंडा हो जाता है, कस्टमर को चीज़ मिला हो तो रेटिंग कम करते हैं हमारा. पहला ये हमारा बोले कि स्टार रेटिंग हटाइए हमारा. दूसरा हमारा रखें कि हमारा जो पे आउट मिल रहा था 30 रुपीज़, वो जो रेन सर्ज मिल रहा था पर ऑर्डर, हम लोगों को बोला भैया वो हमको रेन सर्ज तो उतना मिलना चाहिए, हम बारिश में इतना खतरा उठा रहे हैं वो हमको मिलना चाहिए, ये हमारा था. और तीसरा था कि हमको ना स्लैब में पेमेंट किया जाए. ये 4 रुपये जो आप दे रहे हैं इसको एटलीस्ट 8 रुपये तक खींच के लाएं, जाकि हम जोमेटो के कंपैरिजन हम अच्छा सर्विस दे सकें कस्टमर को. ये हमारा तो कुछ पॉइंट्स थे, 2-3 पॉइंट्स हम लोगों को इनके मैनेजमेंट सामने रखा है. मैनेजमेंट मान भी गया, वो सारा स्लैब है, मगर आप बोलेंगे तो मैं आपको वो दिखा सकता हूँ. मुझे भेज दीजिएगा, उसे विजुअल में दिखा देंगे. और धरना तब तक चलेगा जब तक आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी, चाहे जो भी हो जाए. जी सर, जी जी, जब तक हमारे सिस्टम हमारे ऐप में वो डेस्कटॉप में नहीं दिखेगा वो पे आउट, तब तक हम ID नहीं चालू करेंगे. ये हमारी, और यहाँ पे मेरा एक अनुरोध कस्टमर्स से है, क्योंकि हम उन्हें डिलीवर करते हैं, हमारे पास ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो हमें मैंने अप्रिशिएट करते इस बातों पर. यहाँ पर हम वाकई में ये कंपनी के साथ हमें लड़ाई नहीं, बट ये सिर्फ हमारे हक की लड़ाई है कि आज हम अगर 14 घंटे 16 घंटे ड्राइव करके पूरे रिस्क के साथ अपने लाइफ को रिस्क लेने के बाद हम रात को 2-2.5-3 बजे तक डिलीवर करते हैं, बिकॉज आउटलेट 2 बजे तक ओपन होता है. रात के समय तो विभिन्न प्रकार के आप लोग बहुत सारी दिक्कत है, जैसे 2-3 मैं विभिन्न बता देता हूँ. कुत्तों का एक बहुत बड़ा इश्यूज़ होता है. हम ऐसे, अच्छा, रात के टाइम पर हम अगर 18-20 किलोमीटर्स अगर एक्सिस में हम ऑर्डर छोड़ने जाते हैं, रात को ज़्यादातर पर हमें लॉन्ग डिस्टेंस पर ऑर्डर आते हैं, क्योंकि उस टाइम पर जो बोर्सी साइड है, जो चरोदा साइड्स है, वहाँ पर ऑर्डर्स नहीं मिलते, उनके यहाँ पर रेस्टोरेंट नहीं मिलता, तो लोग उस टाइम पे ज़्यादा ऑर्डर्स करते हैं इस तरह के जगह से, क्योंकि बहुत लोग हो सकता है थोड़ा ड्रिंक्स वगैरह कर लेते हैं, तो उनको KFC वगैरह का ऑर्डर्स लगता है. और हमारे यहाँ पे भिलाई में मॉल आज यही है, तो हमारे यहाँ से लेके 18 किलोमीटर वो बंदा जाता है, उसको कुत्ता काटने का रिस्क रस्ते में. बहुत जगह ऐसा होता है जो कम्प्लीटली सुनसान होता है, जो वहाँ पर जो कोई लड़के आके, और बहुत बार ऐसा हादसे हो चुका है. मैं 2 दिन पहले की बात करना चाहूँगा कि मैं Sector 10 में मैंने डिलीवर किया, टाइम बस 10:50 हो रहा था, वहाँ पर बीट के गाड़ी आया, पुलिस वाले मुझे आके जब उन्होंने मेरा ID देखा तो उन्होंने मुझे सामने से मुझे आके बोला कि तुम लोग रात को कर क्यों रहे हो, जबकि हमारे पास इतने सारे केसेस है कि स्विगी और जोमेटो वाले राइडर्स के ऊपर अटैक्स होता है, तुम्हारा छिनता ही होता है. पुलिस वालों ने समझाया. तो सर को हमको यही बताना पड़ा कि सर 11 बजे से पहले मैं तो लॉगआउट भी नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी नॉर्म्स है, मेरा इंसेंटिव कट जाएगा. अच्छा, उसके बाद आज की तारीख में कंपनी 11 बजे से 11 हेल्पलाइन सर्विस हमें बताया जाता है कि हमें दिया जाएगा, हालांकि हेल्पलाइन सर्विस हमें उस ढंग से नहीं मिलता, बिकॉज सारे IVS कॉल्स है. 11 बजे के बाद हमारे पास तो ना हमारे जो डायरेक्ट फ्लीट मैनेजर्स की जो कनेक्टिविटी है वो तो बिल्कुल नहीं रहता, और कंपनी साफ तौर पे हमें कहता है कि अगर रात को 11 बजे के बाद अगर आप करते हो तो वो एट अ ओन रिस्क है. सर आपके माध्यम से, भिलाई टाइम्स के माध्यम से, मैं एक छोटा सा चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो आज हमारे साथ अभी हुआ है रिसेंट. आधा घंटा पहले हमारे कुछ मैनेजर्स आए हुए थे यहाँ पे, तो उसमें हमारे जो मैनेजर्स है वो आके हमको थ्रेटनिंग दे रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर आप लोगों को भड़का रहे हो
अगर आप भड़का रहे हो, उनको रोक रहे हो, ऑर्डर लेने से रोक रहे हो, हम रोक किसी को नहीं रहे सर। यहाँ सबके आईडी बंद है, सब बंद है और सब अपनी मर्जी से किया। आप सबकी तरफ वीडियो घुमा के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, सब अपनी मर्जी से आईडी बंद किया यहाँ पे, सब तकलीफ में। उसके बाद वो हमको आके थ्रेटनिंग दे रहे हैं कि आप कुछ लोग यहाँ जो नेतागिरी कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, हम कोई नेतागिरी नहीं कर रहे सर, उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है हमारा नेतागिरी करने का, हक की लड़ाई है हमारे, पैसे हम जो कमा रहे हैं हम उस चीज़ को मांग रहे हैं, हम एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे कंपनी से। तो जो थ्रेटनिंग है सर वो इस तरीके से दिया जा रहा है कि कंपनी आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है, आपको हटाया जा सकता है, आपके ऊपर थाने पे एफआईआर किया जा सकता है और आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा तो आप कोर्ट कचहरी के दौड़ते रहेंगे। जी ठीक है। तो बाकी आपने देखा कि अभी स्विगी वाले जितने डिलीवरी बॉय हैं धरना में हैं, तो वो कहीं डिलीवरी करने नहीं जा रहे हैं परसों शाम से, और इनकी मांगे जो है आपने पूरी तरीके से सुन लिया। बाकी आप कस्टमर्स के लिए भी ये एक जागरूक करने वाली खबर है कि चाहे कोई भी मौसम हो, धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, या हर मौसम में आपके घर तक खाना सही टाइम पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इनके लिए भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उचित जो इनकी तनख्वाह होनी चाहिए, जो उचित पे स्केल होना चाहिए, वो ये वीडियो मैनेजर अगर देख रहे होंगे या जो स्विगी की डिपार्टमेंट देख रही होगी तो इनको उचित वो चीज़ें मिलनी चाहिए। बाकी अपडेट आपको मिलता रहेगा भिलाई टाइम के द्वारा, और पूरी डिटेल पूरी बात आ गई है आप लोगों की। चलिए ठीक है। तो बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा भिलाई टाइम के चैनल के साथ में। इनकी बातें, इनकी जो बात है उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं।